अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इब्राहिम फ्रॉम आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस। एज ए 320 में कॉन्सेप्ट है कि जी मैं एक मटेरियलिटी डिटरमाइन करता हूँ लेट से रुपीज़ 100 की, और मैं उसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ लेट से रुपीज़ 75 पे लेके आ जाता हूँ, और मैं उसको नाम देता हूँ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का। सर ये क्यों करता हूँ मैं? सर नॉर्मली बच्चा ये कॉन्सेप्ट कैरी करता है या ये परसेप्शन है मार्केट में कि जी फॉर एग्जांपल अगर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उस एफएस के अंदर बहुत से अकाउंट बैलेंस क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन ऐसे होंगे जो कि 100 रुपये से कम होंगे, तो सर उसके ऊपर तो कोई ऑडिट ही नहीं हो सकेगा बिकॉज ऑफ तो इमटेरियल तसव्वुर किए जाएंगे। तो इसलिए सर इसलिए हम एक काम करते हैं, मटेरियलिटी को थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि इन बैलेंसेस के ऊपर भी आप काम कर सकें। सर ये नॉर्मली एक गलत कॉन्सेप्ट है, क्या मिस्ट्री है, क्या रीज़न है, क्या साइंस है कि हम मटेरियलिटी को कम करते हैं और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी डिटरमाइन करते हैं? सर आए इसको समझते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए आपको मैं 4 से 5 आइजाज को लिंक करवाऊंगा, तो थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा। सर फॉर एग्जांपल आप दफा करें कोई परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी है, आपके पास एक ही मटेरियलिटी आपने डिटरमाइन करी रुपीज़ 100 की, एंड फॉर एग्जाम्पल जब आपने ऑडिट परफॉर्म किया तो आपको एक अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो गई रुपीज़ 80 की, सर आप क्या करेंगे? सर हम क्लीन ओपिनियन देंगे। सर क्यों क्लीन ओपिनियन देंगे? बिकॉज सर द मिस स्टेटमेंट इज़ नॉट मटेरियल। ठीक है सर, आपने क्लीन ओपिनियन दे दिया बिकॉज अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट इज बिलो द मटेरियलिटी। लेकिन सर एक बात सोचे, क्या कोई ऐसी मिस स्टेटमेंट है जिसको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते? यस सर बिल्कुल ऐसी मिस स्टेटमेंट है जिसको मैंने डिटेक्ट नहीं करी होंगी। सर क्यों डिटेक्ट नहीं करी होंगी आपने या क्यों डिटेक्ट नहीं कर पाते? सर एज अ 200 के हिसाब से देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस, मैं कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर सकता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एरर फ्रॉड मौजूद है। अच्छा सर, सर इसी वजह से एक कॉन्सेप्ट आया है आइजा 315 में जिसने ऑडिट रिस्क को एक्सप्लेन किया है कि जी ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क। सर इस इक्वेशन को गौर से देखेगा, इसमें भी आइजा कहता है इसमें से कोई भी कॉम्पोनेंट जीरो नहीं हो सकता, ऑडिट रिस्क कैन नेवर बी जीरो, हमेशा मौजूद रहेगा, बस आपने इस रिस्क को अप्रोप्रिएट लेवल पर रखना है, कम लेवल पर रखना है। सर इस इक्वेशन को भी गौर से देखो तो इसमें जो इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क है सर ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये क्लाइंट स्पेसिफिक होता है। सर मेरे कंट्रोल में क्या है? सर मेरे कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है जिसका नाम है डिटेक्शन रिस्क। सर डिटेक्शन रिस्क मेरे पास 2 किस्म के होते हैं, एक मेरे पास होता है सैम्पलिंग रिस्क, दूसरा मेरे पास होता है नॉन सैम्पलिंग रिस्क। सर मैं अब मूव करने जा रहा हूँ 200 के बाद 315 के बाद मैं आइज़ा 530 में मूव कर रहा हूँ। सैम्पलिंग में जो मेरे पास सैम्पलिंग रिस्क होता है सर इसको मैं कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ? सर सिंपल है, जितने ज़्यादा आप सैम्पल साइज वेरीफाई करेंगे उतना कम आपका सैम्पलिंग रिस्क होगा। सर द क्वेश्चन इज मैं सैम्पल साइज कैसे बढ़ाऊँ? सर सैम्पल साइज मैं तभी बढ़ा सकता हूँ जब मेरी मटेरियलिटी कम होगी सर, और मटेरियलिटी जो कम होगी उसको मैं नाम क्या देता हूँ? उसको मैं नाम देता हूँ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का। सर अब इस पूरी इक्वेशन को गौर से देखें सर, आपके पास मटेरियलिटी है रुपीज़ 100, आपने क्या काम करा सर? आपने इस मटेरियलिटी को थोड़ा सा कम कर दिया, लेट से आप रुपीज़ 75 पे लेकर आ गए। जहाँ आप परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को रुपीज़ 75 पे लेकर आ गए सर, आपने पूरा ऑडिट इस मटेरियलिटी के बेसिस पे परफॉर्म किया है। इट मीन्स आपने जब 75 रुपये के हिसाब से मटेरियलिटी को डिटरमाइन करी होगी सर, आपके सैंपल साइज बढ़ गए होंगे। जब आपके सैंपल साइज बढ़ गए होंगे तो आपका डिटेक्शन रिस्क थोड़ा सा कम हो गया होगा। जब आपका डिटेक्शन रिस्क कम हुआ होगा तो ओवरऑल ऑडिट रिस्क आपका कम हो गया होगा, और जब आपका ओवरऑल ऑडिट रिस्क कम हो गया होगा तो एक प्रोबेबिलिटी और एक पॉसिबिलिटी के जी एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट और अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट कहीं मेरी मटेरियलिटी से एक्सीड ना कर जाए, दैट इज द लॉजिक बिहाइंड टू रिड्यूस द लेवल ऑफ मटेरियलिटी एंड कैलकुलेट और डिटरमाइन द परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। थैंक यू सो मच सर।